सरकारी स्कूल में चली आ रही भर्राशाही जिले में नए शिक्षण सत्र में भी हावी दिखाई दे रही है। स्कूलों में बच्चे तो पहुंच रहे हैं, लेकिन मोटी तनख्वाह पाने वाले सरकारी शिक्षक से लेकर प्राचार्य तक अपनी जिम्मेदारी को टाइम पास समझकर स्कूलों में सिर्फ तफरी करने पहुंचते हैं। सरकारी स्कूलों में हावी इस भर्राशाही की वानगी ग्राम जरवारी स्थित शासकीय माध्यमिक स्कूल में देखने को मिली है। आप किस क्लास के स्टूडेंट हैं? अभी आपके स्कूल कितने बजे से लगते हैं? और अभी कितना बज रहा होगा? 8:45। अभी तक कोई भी टीचर आए यहाँ पर? प्रिंसिपल सर? तो आप लोग अकेले बस यहाँ पर बैठे हुए हैं सारे स्टूडेंट्स? जहाँ स्कूल के निर्धारित समय पर बच्चे तो पढ़ने पहुँच गए, लेकिन 2 घंटे बीतने के बाद भी उन्हें पढ़ाने वाले शिक्षक स्कूल में हाजिर नहीं हो सके। वहीं करीब 2 घंटे के इंतजार के बाद एक शिक्षिका अन्ना लखेरा सुबह 9 बजे स्कूल पहुंची, लेकिन उनके चेहरे पर लेट लतीफी को लेकर शिकन तक नहीं दिखी। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि जब इस संबंध में शिक्षा समिति अध्यक्ष द्वारा जिले के कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी को कॉल किया गया तो उन्होंने फोन तक रिसीव नहीं किया। जिन अधिकारियों ने फोन रिसीव किया तो वे गैर हाजिर शिक्षकों और प्राचार्यों की पैरवी करते नजर आए। वहीं जिला पंचायत उपाध्यक्ष और जिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष अशोक विश्वकर्मा ने डीपीसी डहरिया को फोन कर उनको लताड़ लगाई और स्कूलों को निरीक्षण कर व्यवस्था में सुधार लाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्कूल प्राचार्य खलको सहित सभी शिक्षकों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आज हम जरवाई के माध्यमिक स्कूल में निरीक्षण के लिए आए थे। निरीक्षण में हमने पाया कि बच्चे 7 बजे से आकर बैठे हैं और अभी बज रहा है 9। 9 बजे तक कोई शिक्षक यहाँ उपस्थित नहीं था। प्रिंसिपल कार्यालय में भी आज हम गए तो वो भी सूना पड़ा हुआ था। 9:45 हमारे जो भृत थे यहाँ के, उनसे मुलाकात हुई। तो यहाँ का भगवान भरोसे स्कूल चल रहा है। बच्चे 7 बजे से आके बैठे अपने आप से पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। शिक्षकों की कोई जवाबदारी नहीं बनती। अभी हम सुबह से अधिकारी को फोन लगा रहे हैं, संबंधित अधिकारियों ने भी फोन नहीं उठाया। अभी बड़ी मुश्किल से बात हुई हमारी, तो डीपीसी को हमने कहा है कार्रवाई करने के लिए। चूँकि आप जिला शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी हैं, ऐसे में अब आपके द्वारा क्या अग्रिम कार्रवाई की जाएगी? आज जो आपने निरीक्षण पाया, इसको हम बैठक में लेंगे और बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी को हमने बोला है कठोर कार्रवाई करें, क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं और इनके भविष्य के साथ इस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है।